और अभी हम छोटा पाइप बैंड करते हैं, ये है 3/8 का और ये डिस्चार्ज पाइप हाँ हम इसको बंद करते हैं, उसके बाद आपका अगले प्रोसेस में हम आपको बताएंगे। ये हो गया हमारा छोटा पार्ट है, बैंडियर वगैरह निकाल देंगे, बाकी आप जी से बैठ जाएगा ऐसे यहाँ पे। अभी ये रेडी हो गया है तो उसके बाद अभी एसी की प्लेट खोलते हैं तो उसकी मार्किंग वगैरह करेंगे, उसके बाद प्लेट बनाएंगे तो उसके बाद फिर अगला काम है जो एसी वगैरह स्टार्ट करना है। अभी खोलते हैं इसकी प्लेट वगैरह, इनर की प्लेट वगैरह खोलते हैं, उसके बाद फिर अगला काम वगैरह। यही साथ की 3/8 और 5/8 की 5 की मार्किंग भी कर लेना, प्लेयर बनाने में आसानी होती है। इसको यहाँ से ये हमारा 5/8 हो गया और ये हमारा 3/8। बस इसको फिर सीधी तरफ इसकी 5/8 और 3/8 की मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि जो नए आदमी होते हैं उनको पता नहीं होता, इसलिए जी थोड़ा सा हो जाता है। ये हमारा 3/8 हो गया, हमारा 3/8 स्टार्ट करते हैं इसकी प्लेट लगानी है, प्लेट की मार्किंग वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि ड्रेन से बस कम से कम हमारा 1 इंची वगैरह नीचे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना। सबसे पहले आप ड्रेन के नीचे से चेक कर, लेवल से अच्छी तरह करना, प्लेट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेवल चेक कर ले बिल्कुल बराबर है लेवल, और ऐसे ही बिल्कुल बराबर होना चाहिए लेवल, क्योंकि ऐसी फिर आगे पीछे नहीं होता। इसकी करते हैं मार्किंग, दो होल नीचे कर देने हैं, दो तीन होल ऊपर कर देने हैं, दोनों तरफ सेम प्रोसेस है बस। इसके फिर जैसे हमने पहले आपको बताया था कि 3/8 और 5/8 की वहाँ नीचे एसी के साथ ही उसके पाइप रख के मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लेयर बनाने होते हैं तो बनाने में आसानी होती है और पाइप बिल्कुल सीधे आते हैं। ये हमने 3/8 के भी मार्किंग कर लिए और ये हमारा आ गया 5/8। तो ये हो गया अभी हमारा कंप्लीट, तो अभी यहाँ हम इसको प्लेट नीचे रखते हैं और इसके फ्लेयर वगैरह बनाते हैं, और अगला काम है जो उसके बाद करेंगे एसी वगैरह इंस्टॉल करेंगे फिर उसके बाद। ये हमारा फ्लेयरिंग टूल है, वॉइस एनल और बड़े वाला जो कटर है, छोटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ये फ्लेयर नट है हमारे 3/8 का एक और 5/8 का है, तो अभी जाते हैं हम करते हैं पाइप की कटिंग और साथ साथ आपको बताते हैं। अभी जहाँ मार्किंग की हुई थी वहाँ से दोनों पाइप काटने 3/8 और 5/8 का, तो अभी स्टार्ट करते हैं। काटते वक्त बहुत एहतियात करनी है, अच्छे से काटने के बाद में फिर फ्लेयर जो है वो अच्छे से नहीं बनता तो खराब हो जाता ना, फिर ऐसी गैस की लीकेज होती है। और अभी हम दूसरा यूज़ कर रहे हैं ट्यूब कटर बड़ा, अगर आप दोनों में से जहाँ इजी हो वो यूज़ कर सकते हैं। अभी 5/8 का पाइप अभी कटिंग करते हैं, 3/8 का हमारा हो गया, ये हमारे पाइप हो गए कटिंग, अभी रेडी है। अभी इनके बनाते हैं फ्लेयर, इंस्टॉलेशन लगा कर साथ साथ आपको भाइयों को बताते जाएंगे। अभी हम शुरू करते हैं इसका फ्लेयर बनाते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमने डाली थी इंस्टॉलेशन, और अभी बनाते हैं 5/8 का पाइप डाल दिया, नट डाल दिया सॉरी, तो अभी इसका फ्लेयर बना देखना है कि इसको इतना सा रखना है कि जिसमें आप फ्लेयर बराबर बन जाए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, क्योंकि उसके बाद फिर वो नट जो है ना फ्लेयर नट आगे नहीं आएगा। सबसे पहले आपने
सीधा करना है बिल्कुल पाइप पीसीज में, उसके बाद इसको यहाँ टाइट कर देना है बस। बनानी है अपना प्लेट, जैसे आप देख सकते हैं जैसे हमारा फ्लेयर बन गया, ये हमारा बिल्कुल रेडी। ये भी हमारा छोटा पाइप भी हो गया है रेडी 3/8 का भी, बस इसको भी खोलते हैं। देख सकते हैं अच्छे से हमारा 3/8 का भी फ्लेयर बन गया बिल्कुल अच्छे से। अभी हम लगाते हैं इसकी प्लेट, फिर इसी इंस्टॉल करते हैं साथ साथ।